नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने एसएफडी और बीएमडी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपका एक लेक्चर करा दिया है, ये आपका दूसरा लेक्चर है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया कि शियर फोर्स क्या था। तो किसी भी प्लेन में नेट ट्रांसवर्स लोड, किसी भी प्लेन में नेट ट्रांसवर्स लोड ही क्या कहता है, शियर फोर्स कहलाता था। और किसी भी प्लेन में नेट मूवमेंट आपका बेंडिंग मूवमेंट कहलाता था। अब अलग अलग लेंथ के अलोंग अलग अलग प्लेन में शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट वेरी कर सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसमें हमने साइन कन्वेंशन भी आपको क्लियर कट बताया, और ये स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है, हर जगह फॉलो होता है, वही आपको मानना है। लेफ्ट साइड का अपवर्ड, सारे अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव होंगे और राइट साइड के सारे डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव होंगे। शियर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन है, शियर फोर्स डायग्राम में लेफ्ट साइड के सारे अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव होंगे और राइट साइड के सारे डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव होंगे। ऐसे सैगिंग को हम पॉजिटिव लेंगे और हॉगिंग को हम निगेटिव लेंगे। थोड़ा इस पे और भी डिटेल हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको कराया, एकदम शानदार तरीके से, बहुत आसान तरीके से हमने आपको कराया, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा, आपको साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन है, शायद ही किसी में ना आए। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है, किसी में तीन चार भी आते हैं। पर खैर, यूपी आर्बिनल में तीन चार क्वेश्चन आएंगे एसएफडी बीएमडी से, यूपी ट्रिपल एससी में एसएफडी बीएमसी से तीन चार क्वेश्चन आएंगे, तो इन सब में तो खैर ज्यादा था। गेट वो ईएसओ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं, एक बार समझ गए ना तो देख के भी आंसर आप कर लेंगे, बहुत शानदार चीज है। फर्स्ट लेक्चर को आप डिटेल में देखें, साइन कन्वेंशन को नोट करके बोर्ड पे या कहीं चिपका ले, ध्यान रखना है, याद रखना है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमने साइन कन्वेंशन बता रखा है। तो अब आने वाले सारे लेक्चर बहुत शानदार रहे भी हैं और आने वाले सारे लेक्चर और शानदार होंगे आपके लिए। बहुत ढेर सारी बातें हम आपको कराएंगे, ढेर सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन कराएंगे, पेपर सॉल्व कराएंगे, जो कि हम इसरो का पेपर पूरा पूरा करा दिए हैं। यूपी आर्बिनल का पेपर इस समय सॉल्व हो रहा है, जो भी होगा दुरुस्त होगा, भले ही थोड़ा टाइम हो लगे, ठीक है। तो आप लोग सारे लेक्चर्स को सारे स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करें, एक दो मिनट का टाइम निकालें, रोक कर वीडियो आप पहले सबको शेयर कर लें, फिर देखें, बहुत शानदार लेक्चर होंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करें और कमेंट करें, कमेंट में आप अपने फीडबैक को हमें दें, अच्छा है तो अच्छा लिखें, बुरा हो तो बुरा भी लिखें, जो कमेंट्स आप करेंगे वो हमारे लिए अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो कमेंट भी करें, लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। सारे वीडियो लेक्चर फ्री हैं, कोई पेड कोर्स नहीं चल रहा है, अभी पेड कोर्स का ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, सब कुछ फ्री है, सब कुछ पढ़ा रहेगा, आजीवन पढ़ा रहेगा, देखते रहिएगा। जब भी समझदारी डेवलप करनी होगी देखते रहेगा। तो हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, ठीक है। कोई पहले देखिए, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीम का ही बनाते हैं, इसमें ट्रांसवर्स लोडिंग हो, अगर एक्सियल लोडिंग हो, चाहे कंप्रेसिव हो चाहे टेंसाइल, तो उसकी वजह से ट्रांसवर्स एक तो फोर्स नहीं आएगा, कोई शियर फोर्स नहीं आएगा। अगर एक्सियल लोडिंग कोई मूवमेंट नहीं आएगा, भाई वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लोड है, तो कोई मूवमेंट डेवलप नहीं करेगा। तो इस कभी भी हम ट्रस का, मतलब स्ट्रट का या टाई बार का, इन सब का हम कभी भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं पढ़ते। किसका पढ़ते? बीम्स का। बीम में लोडिंग कितने तरीके की होगी, टाइप्स ऑफ बीम, शानदार एकदम डिटेल तरीके से बीम्स में हमने करा रखा है।
तो मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में आप देखेंगे बीम्स एंड ट्रसेस बहुत शानदार तरीके से। चलिए तो हम खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये कोई एक बीम है, कोई भी एक बीम है, इसमें किसी भी तरीके की ट्रांसवर्स लोडिंग हो सकती है। अब इसको आप इस सपोर्ट को देख के बता सकते हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसमें किसी भी तरीके का, ऐसे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिखाया जाता है और कुछ लोग एरो से दिखाते, तो अलग अलग, डरिएगा नहीं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूडीएल है, जिसकी इंटेंसिटी कोई भी है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, मतलब अगर एक मीटर चले जाएंगे तो डब्ल्यू लोड आ जाएगा, डब्ल्यू लोड क्या होगा, आ जाएगा। तो ऐसे कोई लोडिंग है, ऐसा आपका सिचुएशन दिया गया। अब हमें ये पूछना है कि इस सेक्शन पर शियर, इस वाले यहां हमने काटा, तो अब देखिए यहां पर जो रिएक्शन डेवलप होगा वो ऊपर ले जाना चाहेगा इस वाले इधर वाले सेक्शन को, और जो इसका लोड होगा, कुछ दूर आप गए, एक्स दूरी पर गए, तो कुछ दूर जब गए तो जो ये डब्ल्यू इंटू एक्स जो होगा वो नीचे दाबना चाहेगा। अब कौन दाबेगा, कौन करेगा, वो कमजोर की बात होती है, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा वो हम देखेंगे। ऐसे ही सेक्शन पर अगर हम देखें तो इस रिएक्शन की वजह से मूवमेंट आएगा और इस लोड की वजह से भी मूवमेंट आएगा, पर उल्टा आएगा। अरे भाई, इतने सेक्शन का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो खैर सबसे पहला स्टेप कभी भी बीम के एनालिसिस करें, कभी भी करें तो रिएक्शन जरूर निकाल लिया करें। कभी भी आप बीम के एनालिसिस करें तो रिएक्शन पहला स्टेप हुआ करना चाहिए, तो हम सब लोग वही कर रहे हैं, रिएक्शन पहले निकालते हैं और रिएक्शन निकालने के लिए कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ऐसे ये डब्ल्यू इंटू एल लोड है और यहां पर R1 रिएक्शन और यहां पर R2 रिएक्शन और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा, पर हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है, तो ये Rx क्या होगा, जीरो। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसलिए आएगा क्योंकि ये पिन ज्वाइंट है, तो पिन ज्वाइंट में आपके दोनों तरीके के रिएक्शंस आते हैं, फिर तो वो जीरो होगा। अब यहां पर अगर हम इसी के अबाउट मूवमेंट ले लें और ये दूरी एल हो, इसी के अबाउट मूवमेंट, इसी के अबाउट मूवमेंट लेने पर क्या होगी बात, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो, और हमारी एक अपनी पहचान रही है कि हम स्टैटिक्स में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। तो अब अगला हम सिग्मा एम इक्वल टू जीरो इस पर खड़े होके बात करेंगे, क्या आर एक्स और आर वन की वजह से कोई मूवमेंट आएगा, नहीं आएगा, आर एक्स और आर वन की वजह से कोई मूवमेंट नहीं आएगा, आर टू की वजह से आएगा और होगा आर टू इंटू एल, और यहां के अबाउट अगर हम बात करें, यहां के अबाउट, तो यहां से आर टू कितना दूर घुमाना चाहिए, कितना उच्च, किधर की तरफ घुमाना चाहेगा, तो सर एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहेगा, इसके अबाउट एन तो पॉजिटिव, और इसके बाद माइनस ये W, इसकी अगर इंटेंसिटी है तो W इंटू एल तो लोड होगा, W इंटू एल क्या होगा, लोड, और कहां पर माना जा सकता है, सेंट्रॉइड पर, तो इसका सेंट्रॉइड कितनी दूरी पर होगा, L बाई टू दूरी पर, अब इक्वल टू जीरो। माइनस क्यों किया गया, क्योंकि पूरा लोड इसके अबाउट क्लॉकवाइज घुमाना चाह। तो अब यहां से एक स्टेप हम बहुत आसान से करा रहे हैं, एक बार तो आपको रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे, तो R2 इक्वल टू आएगा डब्ल्यू एल बाई टू, R2 इक्वल टू आएगा डब्ल्यू एल, एल कट जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू। ऐसे अगर आप देखें तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो और अपवर्ड डायरेक्शन में सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव, तो आप क्या करेंगे, आर वन प्लस आर टू, ये सब ऊपर, आर वन आर टू ऊपर, आर एक्स का वाई डायरेक्शन को माइनस डब्ल्यू इंटू एल इक्वल टू जीरो, माइनस डब्ल्यू इंटू एल इक्वल टू जीरो, तो आर वन क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू, वो भी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू, क्योंकि आर टू का मान आप रख देंगे डब्ल्यू एल बाई टू,
ऐसे भी अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सर ये पूरा पूरा सिमेट्रिक लोडिंग है, बीम पर पूरे पूरे कहीं बीच में कुछ ऐसा नहीं। तो ये वाला रिएक्शन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब जब ये आए तो यहां ये भी दिखा दीजिए कि अपवर्ड डायरेक्शन, ये भी दिखा दीजिए आर वन आर टू दोनों किधर होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन। ये दिखा देने से कितना मतलब क्लैरिटी रहती है, एग्जामिनर को भी बड़ा मजा आता है समझदारी। तो ऐसे अगर कहें कि ड्यू टू सिमेट्री आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू टोटल लोड का आधा आधा, तो टोटल लोड क्या है डब्ल्यू इंटू एल, टोटल लोड कितना है डब्ल्यू इंटू एल, उसका आधा क्या होगा डब्ल्यू एल बाई टू, तो आर वन आर टू डब्ल्यू एल बाई टू हो गए। बात समझ में आ रही है? तो अब हम चलो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। नोट कर लीजिए एक बार रिएक्शन निकालने को, आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन निकालना ये बेसिक तरीका है और वैसे भी डब्ल्यू एल बाई टू डब्ल्यू एल बाई टू आप डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा इसको हम आगे बहुत आगे की बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। कोई भी अगर बीम है, कोई भी एक बीम है, इस बीम पर कैसी भी लोडिंग है, ऐसे 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 ढेर सारे लोड हैं, फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी है, कुछ भी है, ढेर सारे लोडिंग है, पॉइंट लोड भी लगा हुआ, यहां सपोर्ट रिएक्शन है, यहां रोलर सपोर्ट है, कोई भी लोडिंग है। अब हमसे कहा गया कि भैया इस सेक्शन पर शियर फोर्स बताओ, इस सेक्शन पर शियर फोर्स बताओ, किसी एक सेक्शन पर। तो ध्यान रखिएगा किसी एक सेक्शन पर शियर फोर्स के लिए सबसे पहले बीम एनालिसिस का स्टेप है कि आप उसको दिए हुए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए रिएक्शन निकालें, फ्री बॉडी डायग्राम बना ले और क्या निकालें, रिएक्शंस निकाल लें। रिएक्शन निकल गया, अब यहां पर खड़े होके चाहे लेफ्ट साइड आप देख लें चाहे राइट साइड, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, किसी एक साइड के नेट ट्रांसवर्स फोर्सेस का एल्जेब्रिक समेशन, सारे ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले लोड का एल्जेब्रिक समेशन ही इस प्लेन में क्या कहलाएगा, शियर फोर्स। इस प्लेन में क्या होगा, शियर फोर्स। तो इस प्लेन का शियर फोर्स चाहे लेफ्ट साइड और चाहे राइट साइड, वो आपकी मर्जी, जिधर से आसान होगा उधर से कर लिया करेंगे भाई, हमारी बात है। तो चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड के नेट ट्रांसवर्स लोड का एल्जेब्रिक समेशन। अब ये क्वेश्चन है कि कैसे, तो इसमें एक बात ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव होगा और राइट साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा, बस ये ध्यान रखें। इसका उल्टा आप समझ सकते हैं, अगर लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है तो निगेटिव होगा, अगर राइट साइड अपवर्ड है तो वो निगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन शियर फोर्स डायग्राम का हमने आपको डिटेल में करा रखा है। फर्स्ट लेक्चर देखिए फिर सेकेंड आप देखिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने इसको क्या किया है, बेंडिंग मोमेंट के सैगिंग को पॉजिटिव, ये मतलब हमने क्या, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसको पॉजिटिव लेते हैं, सैगिंग जो बीम को सैग कराना चाहिए, हॉगिंग इसका उल्टा होता है। तो हॉगिंग मतलब कुल मिला जुला के अपवर्ड प्लेन अगर आपका कंप्रेस हो रहा हो जिस मोमेंट की वजह से, वो पॉजिटिव होगा, और जिस मोमेंट की वजह से डाउनवर्ड प्लेन कंप्रेस हो रहा हो, जैसे ये बीम है ऐसे, तो ये सैगिंग का केस, इस सैगिंग में हम पॉजिटिव लेंगे। अब जो अपवर्ड प्लेन है ये किस में होगा, कंप्रेशन में होगा। मतलब देखिए कितने तरीके क्वेश्चन बन जाते हैं, एक हमने आपको बता रखा है कि ये कॉनकेव अपवर्ड है, ऊपर से अवतल दबा हुआ है, तो कॉनकेव अपवर्ड हो तब पॉजिटिव होता है, जब अपर फाइबर कंप्रेशन में जिस मूवमेंट की वजह से होता है वह मूवमेंट पॉजिटिव होता है। इसका उल्टा करेंगे तो नीचे वाला आपका कंप्रेशन में होगा, उस समय वो आपका निगेटिव होगा, बात समझ। तो ये साइन कन्वेंस। अब हमने क्या किया कि शियर फोर्स और लोडिंग में रिलेशन निकालना था, शियर फोर्स और लोडिंग डायग्राम में क्या निकालना था, रिलेशन। तो किसी एक छोटू इतू सा एक छोटा सा टुकड़ा कट किए, यहां से एक छोटा सा और इतू सा टुकड़ा कट किए, बहुत छोटा सा,
कितना छोटा है ये, कितना छोटा है, dx एलिमेंट है, बहुत छोटा सा dx एलिमेंट कहीं का गए, ऐसे बीम का काट लाए, हमारे पास हसिया था ऐसे, चलो गड़ा सा ले लो यार, ऐसे काट लाए, बहुत छोटा पिल्लू सा ऐसे काट के लाए। अब जब काट के लाए तो इस साइड आपका v है शियर फोर्स, और इस साइड का शियर फोर्स क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, v प्लस dv हमने मान लिया, और लोडिंग इंटेंसिटी हमने क्या माना कि m w है, लोडिंग इंटेंसिटी क्या है, w है, बात समझ में आ रही है ना। तो हमने ये माना, क्या माना, ये वाला अपना एजेंशन मान के हम रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। एजेंशन में क्या हमने माना कि पॉजिटिव शियर को हमने कंसीडर किया, क्योंकि लेफ्ट साइड अपवर्ड और राइट साइड डाउनवर्ड, यही तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड अपवर्ड और ये दाएं बाएं समझते हैं ना, बाएं साइड और ये दाहिने साइड, तो दाहिने साइड डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव होता, और कोई लोडिंग इंटेंसिटी, कोई डब्ल्यू लोडिंग इंटेंसिटी, कोई भी इतने टुकड़े में लोडिंग इंटेंसिटी क्या है, डब्ल्यू बहुत छोटा सा है भाई, उसमें बस रिलेशन निकाले, डीएक्स हमने एलिमेंट काट के लाया। अब बताइए यहां पे कुछ मूवमेंट भी तो आएगा, यहां पे कुछ मूवमेंट भी आएगा, अब उस मूवमेंट का मान हम मान लिए, ये मूवमेंट आपका इधर एम है और इधर क्या है, एम से थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, एक तरफ जिसे आप यहां काट के लाए, यहां से यहां का काट कर लेके आए, घर पे लेके आए, सब लोग देख रहे थे, खुशी आ रही, अरे वाह क्या काट के लाया है, तो ऐसे छोटा सा टुकड़ा काट के लाए, अब इस छोटे से टुकड़े पर कुछ तो ऊपर लोड होगा, और वो लोड इंटेंसिटी हमने W मान रखा है, उस लोड इंटेंसिटी को क्या मान रखा है, W। अब इस छोटे से टुकड़े पर दाहिने मतलब लेफ्ट साइड बाएं साइड मान लीजिए शियर फोर्स वी था, और जैसे आप dx दूरी चले गए, जैसे आप dx दूरी चले गए, वो थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया, बहुत उस दूरी चलने पर थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया, v प्लस dv हो गया। ऐसे अगर इस प्लेन में मोमेंट m था, हमने मोमेंट क्या, अब देखिए इसमें भी सारी चीजें एजेंशन सी होगा, हम बेंडिंग मोमेंट को भी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव इंटेंसिटी। अब जैसे लोड इंटेंसिटी भी होगा तो लोड डाउनवर्ड ही होगा जनरली, तो लोड इंटेंसिटी अगर डाउनवर्ड है तो वो हमारा क्या है, पॉजिटिव बात मान के, सब कुछ पॉजिटिव लेके चल रहे कि बड़ा सब पॉजिटिव चल रहा है। अब कोई पॉजिटिव नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, वो निगेटिव आ जाएगा, बात समझ में आ रही ना। तो हमने एक तरफ v और थोड़ा सा दूर गए तो v प्लस डी भी हो गया, ऐसे एक तरफ मोमेंट, एक तरफ मोमेंट m था तो दूसरी तरफ मोमेंट m प्लस dm हो गया, यही। अब इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है यार, बहुत आसान चीज है। अब इसमें अगर हम सिग्मा, देखिए इक्विलिब्रियम में तो है, ये भी मेंबर आपका इक्विलिब्रियम में है, भागा नहीं जा रहा है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, स्टैटिक्स का ही बात है। इक्विलिब्रियम को हमने दो लेक्चर में कराया, शानदार देखिए तो सही यार, मैकेनिक्स में हमने इक्विलिब्रियम का आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट दिखा दिया, इतना शानदार मजा आ जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम भी वहां पर हमने बताया, देखो तो सही, सिखा देंगे यार इंजीनियरिंग। खैर चलिए, तो ये है, तो अगर हम इसी में सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो और अपवर्ड सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, इस बात को ध्यान देते हुए करें, तो वी ऊपर है, इस साइड वी ऊपर है ना, अब देखिए शियर फोर्स को ध्यान रखिए, ये भी कई लोग घबरा जाएंगे, तो जो वी है वो शियर फोर्स है, शियर फोर्स को हम वी से दिखा रहे हैं, और यही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, कुछ लोग एस से दिखाते, कोई लोग F से दिखाते हैं, खैर हम किससे दिखा रहे हैं, शियर फोर्स को V से दिखा रहे हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। और M, M आपका बेंडिंग मोमेंट है, M क्या है, बेंडिंग मोमेंट, बहुत आसान तरीके से करिए रिलेशंस को देखते, तो V अपवर्ड, अच्छा और कुछ, अरे W, W इंटू डी एक्स, W इंटू डी एक्स,
W into dx नीचे की ओर, ये लोड है और लोड ये किधर है, नीचे, और ऐसे माइनस v प्लस dv। अरे भाई ये भी तो नीचे है, v प्लस dv और इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो नेट फोर्स केवल हमने जीरो क्या, मोमेंट का फोर्स ले लेते हैं, v ऊपर m w into dx नीचे और v प्लस dv भी नीचे, तो नेट आपका ये सिचुएशंस आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये है, अब इसमें हमने क्या किया, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए तो क्या होगा, v और v कट जाएगा, v माइनस डब्ल्यू डी एक्स माइनस वी माइनस डी वी इक्वल टू जीरो। अब ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। यहां से आप देखेंगे कि w इक्वल टू माइनस डी बी अपान डी एक्स, w इक्वल टू माइनस डी बी अपान डी एक्स। ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि कहीं पर कोई भी लोडिंग इंटेंसिटी, छोटी सी बिंदु से एलिमेंट पर लोडिंग इंटेंसिटी w हो, तो जो लोड इंटेंसिटी होती है वो माइनस डी बी अपान डी एक्स होता है, और डी बी अपान डी एक्स क्या बता रहा है, v और x के ग्राफ का स्लोप बता रहा है, v और x का ग्राफ, मतलब शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स, और x क्या है, लेंथ, x क्या है, लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो लेंथ है, तो शियर फोर्स और लेंथ के बीच का ग्राफ ही शियर फोर्स डायग्राम, और उसका ये क्या है, उसका ये क्या है, स्लोप, डिफरेंशिएशन स्लोप को बताता है, इंटीग्रेशन एरिया को बताता है, डिफरेंशिएशन स्लोप को बताता है और इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन अगर ऐसा लेते, और जनरली ऐसा लिया जाता है यार, तो साइन कन्वेंशन ऐसा लेने का मतलब कि शियर फोर्स और लेंथ के ग्राफ, मतलब शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप, सॉरी, शियर फोर्स डायग्राम का नेगेटिव स्लोप लोडिंग होता है, शियर फोर्स डायग्राम का नेगेटिव स्लोप क्या होता है, लोडिंग। अगर ये स्लोप 2 आया तो w इक्वल टू माइनस 2 है, माइनस 2 मतलब नीचे की तरफ, नीचे, तो नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव। तो ध्यान रखिएगा, शियर फोर्स डायग्राम का नेगेटिव स्लोप लोडिंग होता है। ऐसे अगर इसी केस में हम सिग्मा एम इक्वल टू जीरो करें, इसी केस में हम क्या करें, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो करें। चलिए, तो सिग्मा एम इक्वल टू जीरो किसी एक जगह के अबाउट, जैसे इसी पर खड़े होके, यहाँ पे ही खड़े होके, इसी प्लेन पर एकदम किनारे वाले इड्डू वाले प्लेन पे खड़े होके, और हमने शियर फोर्स, मतलब मोमेंट इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो। देखिए, मोमेंट में आपकी स्वतंत्रता होती है, आप किसी भी प्लेन के अबाउट लीजिए, वैल्यू उतनी आएगी, किसी प्लेन के अबाउट। तो हम एकदम किनारे वाले चिपक के खड़े होके पूछे, अब वी तुम्हारा क्या हाल है, अरे हम तो तुम्हारे पास से ही होके जा रहे हैं यार, हम कुछ नहीं करेंगे, इस वी की वजह से कोई मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आप इसी प्लेन क्या बोल रहे हैं, एम तो है ही, और माइनस एम क्यू लिख रहे हैं, ये एम है तो माइनस एम क्यू ले रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इक्विलिब्रियम में और स्टैटिक में हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, और ये क्लॉकवाइज है, ये आपका क्या है, यहां पर खड़े होके पूछ रहे हैं तो क्या है ये, क्लॉकवाइज। देखिए, हॉगिंग हॉगिंग की बात तब होती है, ये पॉजिटिव हम पहले मान के चल रहे हैं, हॉगिंग है ये सॉरी सैगिंग है, सैगिंग मान के चल रहे हैं तभी तो पॉजिटिव लिए हैं, लेकिन हाँ, जब हम एक प्लेन के अबाउट इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाएंगे तो इक्विलिब्रियम, अब खैर आप मान लीजिए कि क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव मान लीजिए, तो अब इसको तो निगेटिव तब मानना पड़ेगा ना, आप कोई एक रेफरेंस लेके एक ही बात पर चलिए, पलटी मत मारिएगा। तो यहां हम अपना ले रहे हैं, वहां दिखा भी दे कि हम ये चीज कर रहे हैं, यहां इस प्लेन के अबाउट v की वजह से कोई मोमेंट नहीं, m की वजह से माइनस m था, चलो माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज था, इनसे मामला छुट्टी मिला। w इंटू dx, तो w इंटू dx यहां बीचों बीच में लगेगा, नीचे के नीचे, इसके अबाउट ये किधर घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज, किधर घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज ही तो घुमाना चाहेगा। तो ये होगा माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स, तो लोड है,
डब्ल्यू इंटू डी एक्स इसका मान है लोड का कितनी दूरी पर, डीएक्स बाई टू दूरी पर। तो इनसे इनसे और इनसे मुक्ति मिल गई, तीन लोग से मुक्ति मिल। अब और जाते हैं, वी प्लस डी वी, वी प्लस डी वी ये आएगा कितने दूरी पर, डीएक्स दूरी पर है, तो माइनस वी प्लस डी वी इंटू डीएक्स। कैसे भैया, ये दूरी ये है और माइनस क्यू, माइनस का मतलब ये भी किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज अगर घुमाएगा तो कितना दूर है, बल है बी प्लस डी बी, दूर है डीएक्स। और ये बताइए, ये मोमेंट किधर है, इनसे भी मुक्ति मिल चुकी है इस मोमेंट, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एम प्लस डी एम, अब यहां इसमें मोमेंट में दूरी का नहीं गुणा करेंगे भाई, वो पहले से मोमेंट है, मोमेंट में नहीं सब इसमें भी दूरी से गुणा कर लो, अरे नहीं। तो ये बात हो गई। अब बहुत बातें को हम और आगे बढ़ाते हैं, देखिए कितना शानदार, एक एक के पास जाते हैं, हालचाल लेते हैं, छोड़ना किसी को नहीं है। ये आ गया, अब बताइए माइनस एम सॉल्व करना आना चाहिए, डब्ल्यू डी एक्स का स्क्वायर बाई टू, माइनस एम माइनस डब्ल्यू डी एक्स और माइनस वी माइनस डी बी, सॉरी यहां से एक चीज गड़बड़ हो गया, देखते हैं। चलिए तो अब इसका गुणा करोगे तो माइनस वी डी एक्स, अरे ये पहले इससे जाएगा, और माइनस डी वी इंटू डी एक्स, माइनस डी बी इंटू डी एक्स, और क्या आएगा, प्लस एम और प्लस डी एम इक्वल टू जीरो। माइनस एम प्लस एम कट जाए, माइनस एम प्लस एम, और ये क्या है, पिद्दू पिद्दू को गुणा करोगे, दो छोटे छोटे नहीं बहुत छोटे छोटे को गुणा करोगे तो वो और छोटे हो जाएंगे, 0.25 का 0.25 से 54 था, सोचे थे 58 होगा, इसका गुणा करो, जोड़ेंगे तब 58 होगा, जोड़ना तो अलग, इसका गुणा करो ये और हो जाएगा, कम हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये 0.0625 आ जाएगा, 54 का गुणा और कम हो जाता है, तो छोटे छोटे का गुणा करने पर और भी, तो यहां इस और सबकी तुलना में बहुत छोटा होगा, इसलिए नेगलेक्ट कर रहे। देखिए नेगलेक्ट करना एक कंपेरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक बात है, और सब लोगों की तुलना में अगर हम बहुत छोटे हैं पिद्दू से हैं तो हमें नेगलेक्ट कर दो। तो यहां VDX और M बैठा हुआ है, ये सब लोग बड़े बड़े लोग हैं यार, तो ये कहेंगे तुम बहुत छोटे जाओ, तो इनको हम दो पिद्दू पिद्दू को गुणा करने से और छोटा हुआ, तो इनको हटा दिए, ऐसे ये भी हटा दिए। क्यों हटा दिए, क्योंकि इसने भी कहा हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत क्या हैं, छोटे हैं, और हम भी छोटे हैं, छोटे छोटे से छोटे, तो यहां से आएगा माइनस वी डी एक्स प्लस डी एम इक्वल टू जीरो, और यहां से v आएगा डी एम अपान डी एक्स। v क्या था, शियर फोर्स, थोड़ा आगे बढ़ गए थे तो v प्लस डी बी हो गया था, लेकिन ऐसे क्या है, शियर फोर्स। तो किसी भी प्लेन में शियर फोर्स, किसी भी प्लेन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, एम और एक्स डायग्राम का, एम मतलब बेंडिंग मोमेंट, एक्स मतलब लेंथ के अलोंग डायमेंशन, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स होता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होता है, शियर फोर्स होता है। तो इस पूरे इसको आप लोग डिटेल में नोट कर लें ऐसे ही, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे कंक्लूड हम जरूर करेंगे इसको, ठीक है। साइन कन्वेंशन आप ध्यान रखिएगा, तो ऐसा हमने लिया और बस सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो, दोनों से रिलेशंस हमें मिल गए। तो शियर फोर्स डायग्राम का नेगेटिव स्लोप लोडिंग होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स होता है, बात समझ में आ रही है ना। आगे बढ़े तो अब दोनों पर हम थोड़ा और डिटेल बातें करेंगे। खैर बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने आपको डिटेल में कराया है, बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने आपको डिटेल में कराया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं तो दो बातें निकल के आईं,
दो बातें आपकी निकल के आई, क्या क्या निकल के आई, W इक्वल टू माइनस dB अपॉन dx और एक निकल के आया V इक्वल टू dm अपॉन dx, V इक्वल टू dm अपॉन dx। तो अब एक बात हम बोल सकते हैं, नेगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज लोडिंग। कैसे बात बोली, V और X मतलब शियर फोर्स डायग्राम का नेगेटिव स्लोप ही W, W मतलब क्या होता है लोडिंग, लोडिंग का मतलब यहां पे क्या है लोड इंटेंसिटी से, क्या है द नेगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज लोड इंटेंसिटी, इज लोड इंटेंसिटी। अगला ऐसे स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज शियर फोर्स। किसी भी सेक्शन पर अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप दिया है तो शियर फोर्स दिया है, वो क्या दिया है शियर फोर्स दिया है। द स्लोप ऑफ एम और एक्स ग्राफ, एम और एक्स ग्राफ ही आपका क्या है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो यही क्या कहलाता है शियर फोर्स। अब इसमें आपको पता है कि डिफरेंशिएशन से एक ऑर्डर घटता है और इंटीग्रेशन से एक ऑर्डर बढ़ता है, तो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv इक्वल टू इंटीग्रल w dx, dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रल w d। अरे कौन सी बड़ी बात लिख दिया यार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणन पता है सबको। ऐसे यहां पर अगर हम देखें तो dm, dm इक्वल टू है इंटीग्रल इधर भी कर देते हैं इधर भी, तो dm इक्वल टू इंटीग्रल v dx, dm इक्वल टू इंटीग्रल v dx। चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, dm का मतलब क्या होगा, dm मतलब छोटा और उसको जोड़, तो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन टू सेक्शंस इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ शियर फोर्स डायग्राम ऑन ऑन लेंथ एक्सिस। इस पर शियर फोर्स v और x के ग्राफ का x एक्सिस पर एरिया ही चेंज इन बेंडिंग मोमेंट देता, बेंडिंग मोमेंट नहीं चेंजिंग बेंडिंग मोमेंट। अभी जो था आगे कुछ दूर जाने पर जो होगा वो अभी और आगे की दूरी पर जो बेंडिंग जो आपका शियर फोर्स डायग्राम बना उसके एरिया के बराबर हुआ चेंज। अब अभी जीरो था तो वो फाइनल की वैल्यू के भी बराबर हो सकता है, लेकिन जनरल हम क्या बोलेंगे कि चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इस पर और डिटेल बातें होंगी। चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, चेंजिंग बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू द एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। ऐसे द चेंज इन शियर फोर्स, इट चेंज इन शियर फोर्स इक्वल टू द एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, नेगेटिव एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। ये भी आप नोट रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो कॉपी कर लीजिए। आज के लेक्चर में हम सब लोग यहीं इसको समाप्त करते हैं, इस पर ढेर सारे हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, हर एक बारीकियों को समझेंगे। अब हमने बेसिक लेक्चर आपको करा दिया, बेसिक समझदारी आपको आई होगी, हम सब लोग क्वेश्चंस इस पर करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे देख के आंसर कर देंगे, ऐसे देखेंगे एरिया, अच्छा अरे एरिया, एरिया ही तो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, तो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट ही एरिया निकाल लो, बस एरिया रेक्टेंगल का आना चाहिए, ट्राइंगल का आना चाहिए, आता है ना एरिया निकालना, तो एरिया तो निकालना पड़ेगा, जो आपने कक्षा 8 से ज्यामिति पढ़ रखी है, ठीक है। तो सब मैक्सिमम लोगों तक आप सब लोग शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक ये लेक्चर पहुंचने चाहिए, सारे स्टूडेंट सीखें यार, सीखना बहुत जरूरी है, इंजीनियरिंग है भैया, तो सब लोग सीखे, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब ना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अभी कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, सारे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे आप तक पहुंचते रहेंगे। तो
तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और भी लोगों में शेयर करें, सबको पढ़ाएं, सबको बढ़ाएं और खुश रहें, मस्त रहें, सारे एग्जाम खूब धूमधाम से दें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।